बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहब त्रिगुण भक्ति है जगत की, ये पूरा संसार त्रिगुण भक्ति में है, उसको समझने की जरूरत है। सर्गुण निर्गुण दो ही मिटे, भक्ति रहित कर सो। सर्गुण निर्गुण एक ही जानो। मैं ये बात कई बार बोल चुका हूं कि बड़े बड़े विद्वान भी कबीर साहब को निर्गुण उपासक मानते हैं, सच कुछ और है। कोई सर्गुण में रीझ रहा कोई निर्गुण ठहरा है, अटपट चाल साहब की मुंह से कही न जाए। साहब कह रहे हैं, मैं आपको अभी निर्गुण का उल्लेख करता हूं। निर्गुण नाम निरंजन राई, क्लियर बोल रहे हैं निरंजन। निर्गुण से जो भयो ओंकारा ता से तीनों गुण विस्तार। इसलिए ओंकार वहीं से उत्पन्न है, निरंजन से। तीनों गुण उससे है, इसलिए वेदों में और कथाओं में आते हैं, ओम है जग का नियंता, ओम ही करतार है। और साहब कह रहे ओंकार निरंजन जानो, पुरुष नाम सो गुप्त मानो। तासे तीनों गुण विस्तारा, उसी ओम से फिर रजतम सत ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति है। निर्गुण से मन भयो प्रचंडा, मन बड़ा प्रचंड है। निर्गुण से मन भयो प्रचंडा, बड़ा प्रचंड है मन। आप समझ रहे होंगे मन को, अनेकों बार भी हिदायतें देने के बाद भी आप देखो ये स्मरण की तरफ जल्दी चलने वाला नहीं है। ताके बस सकल ब्रह्मंडा, इसलिए वेदों में कह रहे हैं ओम है जग का नियंता, ओम ही भव करता रहे। ओंकार मन आप निरंजन, आप इस शब्द को समझिए। ओंकार मन आप निरंजन, नानाविध के कींजे व्यंजन, भांति भांति के घाट सवारा, कहन लग गिनो वर नहीं पारा। भांति भांति के घाट, दुनिया कैसे बाहर भटक रही है। बाज के भटकते सिद्ध नाही, ताके अंश सकल अवतारा। ये सभी अवतार भी निरंजन के हैं। राम कृष्ण था में सरदारा, दस अवतार ईसरी माया, दस अवतार ईसरी माया करता कर जिन पूजा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, उपजे खबे शो दूजा। उपजे खबे शो दूजा, सरगुण निर्गुण की करे सेवा। दादू दयाल बहुत साफ एक शब्द बोल रहे हैं,
कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहराए, अटपट चाल कबीर की मौत से कहीं न जाए। थोड़ा सा इससे बाहर निकलोगे पूरी दुनिया पीछे लग जाएगी। विडंबना यह है, इतना भ्रमित है संसार की क्या बताऊं, भ्रम में झूल रहा है। आप टोना टोटका बाकी अन्य अन्य चीजों को नहीं मान रहे हैं। अगर कहीं गऊ भैंस अस्वस्थ ही दूध नहीं दे रही तो सीधा कहेंगे ऊपरी नुक्स है। ठीक, जब आप ओझा तांत्रिकों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, बोलो ये कुछ मानत ही नहीं है। आपको मानसिक यंत्रणा देंगे, कहे कबीर तू बसा ब्रह्म के देश। मन बोधे मन माह समाय, आप एक चीज को ध्यान देना। इसलिए नामदान के समय संकल्प कराया जाता है तन मन धन गुरु को दिया। उन्हें आपके किसी तन की जरूरत नहीं है, धन की जरूरत नहीं है। क्यों संकल्प कराया? ये तन विष की बेलरी, आप थोड़ा शरीर में पलट के तो देखो कैसी कैसी व्याधियां इसमें पड़ी हुई है। सभी इंद्रियां अपने अपनी खुराक की तरफ बरबस खींचे जाती है। हृदय में ऐसे ऐसे मत्सर बैठे हैं जो भी चाहे इसे करा लेते हैं। जैसे बाजीगर जो भी चाहता है मरकट बंदर से कराता है, इस तरह सबको नचा रहा है वो। आपका बैरी कोई नहीं है, यही मन आपका बैरी है। इससे कोई सावधान नहीं है। हर एक आदमी मन मुरीद संसार है, पूरी दुनिया इस मन की गुलाम है। एक अच्छी चीज है, दीक्षा के बाद आपका मन पर नियंत्रण है, इसमें दो राय नहीं है। आपके अंदर जो परिवर्तन है उसका यही तो कारण है कि पूरी दुनिया जो जो मन कह रहा है वो करती जा रही है पूरी दुनिया। पर आप मन पर नियंत्रण कर रहे हैं जरूर, आप अपने आप को दुनिया से अलग महसूस करते होंगे। यही तो मेरा दावा है, नाम होए तो माथ नवावे, ना तो ये मन बांधना चाहे। बड़ा पश्तो है मन, इससे बड़ा आपका कोई शत्रु नहीं। इसी मन की क्रियाओं के कारण, मन के कारण मनुष्य अपनी आत्मा को नहीं देख रहा, ये आत्मा तक नहीं जाने दे रहा। बदस्तूर पूरी दुनिया मन की मुरीद है, जो भी चाहे मन वो मनुष्य से करा रहा है, यही साहब कह रहे हैं। मन बोधे मन माए समावे, हर एक आदमी मन की तरंगों के अनुसार काम करता है। जैसे तरंगाई मस्तिष्क में, मनुष्य वैसा कार्य करने लगता है। मन तरंग में जगत भुलाना, इस तरह मन की तरंगों में ये पूरा संसार उलझा हुआ है। मन बोधे मन माए समावे,
निज पद को कोई ना ही पाए। इस तरह भ्रमित करके रखा है मन ने पूरे संसार को, और इस पर कोई भी वक्ता नहीं बोल रहा है। मन को बोध करे जो कोई, मन पहुंचावे पहुंचे सोई, जाए निरंजन माय समाए, आगे का कोई भेद न पाए। यही तो साहेब से धर्मदास जी ये कह रहे हैं, जो आप भक्ति बोले ना कहूं लिखी न कोई जाने। साथ में रेफरेंस दे रहे हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, उन्होंने भी ये बात नहीं बोली। गण गंधर्व ऋषि मुनि और देवा, गण गंधर्व ऋषि मुनि देवादि सब मिल करें मन ही की सेवा। क्या बात है, मन मुरीद संसार, पूरी दुनिया मन के द्वारा ही चल रही है। सावधान रहना, ये लोभी है, लालची है, इसमें बड़े बड़े दुर्गुण है, मन ये उत्पन्न करता है, आपका बैरी है। ऐसे ही पूरी दुनिया इसमें अटकी हुई है, खरे क्या सयाने क्या सब अटके है। अब जब आपके अंदर एक नाम की ताकत आई तो आप अनुभव कर रहे होंगे कि पूरी दुनिया कितनी भ्रमित है। सबकी बुद्धि को ऐसा भ्रमित किया हुआ है निरंजन ने। अगर कोई सत्य भक्ति की बात करे तो उसको नास्तिक कहेंगे। बस आप अपने से ही समझे, के नाम के बाद पूरी दुनिया आपको नास्तिक कह रही है, कुछ मानते नहीं है। अरे भाई, सब कुछ तो मान रहे हैं हम, ईश्वर को मान रहे हैं, धर्म के सिद्धांत को मान रहे हैं, शाकाहारी हैं, हिंसा नहीं कर रहे हैं, नशा नहीं कर रहे हैं, परिस्त्री गमन नहीं कर रहे हैं, चोरी नहीं कर रहे हैं, जुआ नहीं खेल रहे हैं, कैसे नहीं मान रहे। आपको अपनी डगरिया खींचने की कोशिश कर, ये है निरंजन, अंदर बैठ कर सबके अंदर पहुंच। आगे जितने भी विचारक हुए, जितने भी शास्त्र हैं, सभी तो निरंजन के द्वारा है। उसके आगे कोई ना गे जाने नहीं देता है। एक दो नहीं उलझे हैं दुनिया के अंदर। जब हम दृष्टिपात करते हैं सभी एक दो ही होए, ता है समझाऊं, एक दो ही होए ता है समझाऊं, सब है बुलान है पिटवा के धंधा, कहे कबीर किस किस को समझाऊं, सब जगह अंधा। समझाने जाओगे तो उल्टा मारन धाई, जय बोधू तो मारन धाई। अरे आपको उल्टा कहेंगे, नास्तिक आदमी हो, ना कुछ भूया भवानी मानते हो, हैं देवता पितर जो आगे से मानते हैं, किसी को मान रहे नहीं रहे, नास्तिक हो तुम, और काम पूरे कर रहे हो उसी है। एक बात मैं हमेशा उच्चारण करता हूं, किसी भी धर्म में जन्म लेने से आदमी धर्मिष्ठ नहीं होता है। जो धर्म के सिद्धांतों को पालन करता है वो धर्मिष्ठ है। अब एक दो ने क्या, ऋषि मुनि गण गंधर्व देव आदि सब लगे, सब भी मिलकर निरंजन सेवा। सभी वहां अटके हुए हैं, खरे सयाने सभी अटके। और इससे आगे कोई ना गए हो,
धरणदास तुम भक्ति स्नेही इनमें मत अटकाओ दी, आपको क्या दिक्कत होगी। धर्मदास वैष्णव में थे, ठाकुर पूजा करते थे, बहुत धर्मिष्ठ थे। मथुरा में उनको साहब मिले, तो धर्मदास ने काफी संस्तुतियां पूछी, काफी शंकाएं पूछी। अब आपको एक उदाहरण देता हूं। भक्ति साहब की बहुत बारीक है, शीश रोपे बिना ना ही पाई। अब उनके पुत्र ने ही विरोध किया, नारायण ने, और कहने लगा साहब से बुढ़ापे में जाकर ये जुलाहे के चक्कर में फंस गए हो, जो पुरखे करते आए। दास नारायण ने दीक्षा नहीं की साहब से आकर, और धर्मदास को ऐसा घेरा, क्योंकि धर्मदास धनी धर्मदास कहलाते थे, बड़े बड़े मठाधीश उससे बहुत बड़ा चंदा लेते थे। सब आकर धर्मदास से कहा कि बुढ़ापे में कहां प्रभु को छोड़कर तुम एक जुलाहे के चक्कर में पड़कर नास्तिक बन गए हो। समझे कि मत एक है जय समझाते हैं ठोर, कहे कबीरे बीच ही बलक और की ओर। आप देखो इस संसार में, इस मृत्यु लोक में, ये मृत्यु लोक है, मृत्यु सबकी होती है, इसलिए इसे मृत्यु लोक भी कहते हैं, मार्ग लोक भी कहते हैं, भवसागर भी कहते हैं। यहां सब जेल में है, सब बंधन में है। आश्चर्य है, कथन श्रवण के लिए सब कह रहे हैं भैया हम बंधे हैं। अरे किस में बंधे हो भैया? मन माया में बंधे हैं ये भी कह रहे हैं, पर मन माया के स्वरूप को समझने की कोशिश कोई भी नहीं कर रहा। यही बात तो साहब कह रहे हैं, मन ही स्वरूप ही देव निरंजन तोय राख भरमाई, हे हंसा तू अमर लोक का पड़ा काल बसाई। जैसे आदमी थोड़ा यत्न करता है अंदर से ही घुमा देता है। आपके सामने प्रमाण है, लंबे टाइम से सत्संग सुन रहे हो, आप ये समझ चुके हैं कि सुमरण ध्यान जरूरी है। जब आप सुमरण में बैठते हैं तो कई कल्पनाएं कभी इधर उधर ऐसा गुम कर देता है कि आपको पता ही नहीं चलता है मैं कहां गया कहां। आप विचार करके देखिए, इससे बड़ा आपका कोई बेरी नहीं है, और इसको कोई देख नहीं पा रहा है, निराकार है, निराकार मन ही को जानो। अंदर में उठने वाली पूरी तरंगे आदमी सोचता है ये मेरा विचार है, आपका विचार नहीं है। जो जो क्रियाएं आप कर रहे हैं ये आत्मा के लक्षण नहीं है। आत्मा निर्द्वंद है, संकल्प विकल्प से परे है, आत्मा में काम नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, मोह अहंकार नहीं है, ये सब बंधन है। बहुत सारे बंधनों से जीव बंधा है, लेकिन ये किसी भी तरह अपनी ताकत से छूट नहीं सकता है, और उसको उलझाने वाला मन है। साहब ने पांच बातों पर बहुत बोला है। सबसे पहले उस सतलोक के लिए बहुत बोला। साहब के हजारों शब्द हैं उस लोक का वर्णन करते हैं। जहवा से हंसा आया अमर है वो लोग का, चल हंसा सतलोक छोड़े ये संसारा। अनंत शब्दों में सतलोक की व्याख्या खूब की है। उसके बाद साहब ने व्याख्या की है गुरु की। गुरु की व्याख्या बड़े सुंदर अलंकार से की है। सात दीप नवखंड में गुरते बड़ा न कोए,
कर्ता करे न कर सके गुरु करे सो होए। तीसरी साहब ने बात बोली है नाम की, नाम की महिमा साहब ने बहुत ज्यादा बोली है। ये पेटेंट फिर सभी संतों ने लिया। अगर रामायण में उत्तरकांड को मंथन करेंगे तो कबीर साहब निकल आएंगे। और गुरुमुक्ता की गगन मंडल में उर्दमुख यहां तहा अमिक वासा गुरुमुख साधु भर भर पिया निगरा मरे प्यासा। साहब ने अंतर्मुखी होने के लिए बोला है। तो हालांकि साहब ने 14 अरब कबीर है भाखा सार शब्द बाहर धर रखा ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसको साहब ने छोड़ा। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिस पर साहब ने नहीं बोला। सब कुछ समझाया मान हो ये माता को पीछे बिठाओ जो बैठी है तुम्हारे साथ, बाद में आकर अलग बैठ गई है। यही चीज आपको देखनी है, ठीक है? आप इसलिए खड़े हैं, मुझे नहीं बोलना है। तो बंधुओं इस तरह से इन पांचों बातों पर साहब ने बोला है और माया पर भी खूब बोला। कुछ तो जतन मुक्ति का कर ले। वाह साहब कह रहे यार किस किस को समझाऊं पूरी दुनिया आंधी है। कहे कबीर मैं किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा सबको लगलवा पिटवा का धंधा। कह रहे भाई मैं किस किस को समझाऊं पूरी दुनिया आंधी है सबको लगा है पेट का धंधा। तो ये सब चीजें घेरे हुए हैं, बड़ी यूनिक बातें साहब ने की है। इसलिए आपके अनंत जन्म हो गए, घुमाता रहता है नाना योनियों में। अगर उस देश में पहुंचोगे वापस दोबारा संसार में जन्म मरण में नहीं आएगा। भक्ति गुप्त जाने नहीं कोई सुरत सने ही पावे सोई। मैंने एक उदाहरण कई बार दिया, आज फिर दे रहा हूं। क्या भक्ति कर रहे हैं दुनिया समझना। राशन की दुकान का एक कॉन्ट्रैक्ट हमारे शहर में, भोपाल की बात है, हमारे मोहल्ले में एक बनिए के पास था, बिहारी लाल। सुबह वो बदस्तूर स्नान करके मंदिर में जाता था, कुछ चढ़ावा देता था और रात को दुकान बंद करने के बाद में फिर मंदिर में जाता था। और नियम क्या था इसका, ये नियम पक्का था, दोनों टाइम जाता था। और जब भी जाता था स्नान करके तौलिया बांध कर पतला वाला जाता था मंदिर में। उसका नियम क्या था, अगर 10 किलो दाना लेना है, एक पक्का नियम था, 1 किलो 10वां अंश वो कम देता था, 9 किलो देगा। शायद वो वहां जाकर के प्रभु को प्रार्थना करता होगा, मैं आज ठगी करूंगा आप कृपा करना। लेकिन जो पाप कर्म करने वाला है उसका हृदय कभी भी शुद्ध हो ही नहीं सकता और वो परमात्म तत्व को नहीं दिखता, दिख सकता। कई वाणियों में तो आ रहा है दिल का हजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। पर ये संसार ये चीज नहीं समझता, वो चाहता है ठगी करूं बेईमानी करूं, मन माफिक मैं
सेवा करो। और वहां क्या कर रहे हैं, तन मन धन गुरु ले रहा है। मन लोभी है, मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चल तू भाई, पलक पलक मन और। इस तरह इस मन के मते चलना नहीं है। आपका ये बहुत बड़ा शत्रु है, इससे हमेशा सावधान, इससे हमेशा सतर्क। आगे भी कह रहे हैं साहब, आगे भक्त भय भव भारी, कह रहे हैं आगे भी बहुत बड़े बड़े भक्त हुए पर भक्ति की युक्ति नहीं थी। और आदि भक्ति शिव योगी के लिए, शिवजी से बड़ा कोई भक्त नहीं हुआ। आजकल तो शिवजी की जो मूर्तियां हैं उसमें अलग अलग शिवजी को दिखा रहे, पहले हमेशा आशा दंड पर बाजू रखकर शिवजी हमेशा ध्यान मग्न रहते थे, ध्यान में ही शिवजी की फोटो मिलती थी। आजकल लोगों ने स्टाइलें बना दी है। आदि भक्ति शिव योग, चार युग की समाधि लेते हैं। आप सोचे आदमी चार घड़ी नहीं बैठता है, राखी गुप्त ने जग में फेरी। इसलिए शिव प्रथम योगेश्वर है। योग करे और भक्ति कमावे, अदर एक नाम धुन लाए। सो अक्षर है रणकारा, रणकार उसी से ही पूरा सृजन है। रहे अदर ब्रह्मांड के माई, शिव जानत कोई जानत नहीं, शिव ही जानता है बाकी कोई नहीं। अब यहां से यहां साहब एक अपेक्षा कर रहे हैं, तासे मेरी भक्ति न्यारी, जाको क्या जाने संसार। ताको योगेश्वर ना पाए उसे योगेश्वर भी नहीं पा रहे। आज भी आप देखना बड़ी विडंबना है, जितने मत मतांतर मठ धर्म स्थान है, साहेब के दोहे भजन चलते हैं। क्या बात है, क्या बात है। और ऊपर से घृणा है, क्योंकि साहेब की वाणी काफी लोगों का रोजगार रोकती है। और साहेब एक बात स्पष्ट कह रहे हैं, कबरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कह रहे भाई कबरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो भाइयों आप बड़े भाग्यवान हैं जो आपके साथ वो नाम की ताकत आई। आप अपने अंदर देखे, वो नाम की ताकत ने आपको बहुत बदल दिया है। पर यहां साहब एक तकाजा और तनाजा कर रहे हैं, नाम सत्य गुरु सत्य हो, आप सत्य जो हुए, तीन सत्य जब एक हो, विष से अमृत हो।